गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। देखो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है ना जी। इसके पास देखो ये तीलियां हैं, कितनी तील, कितना लिखा है ये? 18 18 लिखा है ना। अब देखो ये कितनी तीलियां हैं, ये जो बंधी हुई है तीलियां कितनी, जरा गिनो इन्हें, इनको गिनो। 10 जी। 10 है ये, और ये कितनी है? 8 10 और 8 कितना होता है? जोड़ो इन सबको एक साथ गिनो, जरा 10 के बाद गिनो अभी यहाँ से। 11 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 हो गई ये। ठीक है, ये तो कितनी कितनी हो गई? 18। अब देखो यहाँ पर देखो ये कितनी है? ये 10 10 है। अब 10 के बाद गिनो इनको, फिर 10 के बाद गिनो, गिनो बेटे, टेन के बाद गिनो इनको। 15 ठीक है, अब इनको गिनो, ये तो इसमें कितने हैं? 10 10 के बाद गिनो, 15 फिर से गिनो, 11 10 के बाद गिनो, देखो 11 12 13 16 ठीक हो गया, हो गया 16। अब देखो जैसे यहाँ पर 10 थे ना, तो 10 को 10 का कितना गट्ठर है? एक गट्ठर है ये, तो एक गट्ठर को हमने क्या लिख दिया? 1। और यहाँ पर कितने हैं ये? 3 3 का है ये? 4 तो 4 को हमने क्या लिख दिया? 4 4। अब वो बोल रहे हैं ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस। अब देखो यहाँ पर 10 के नीचे क्या लिखा है? 1। तो 1 का हमने क्या बनाना है? एक पूरा बंडल बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इन सबको क्या कर देना है? हमने बांध देना है। तो ये गट्ठर हो गया, एक गट्ठर हो गया 10 का एक गट्ठर हो गया, और ये कितने हैं? 5। तो 5 हमने और तीलियां बनानी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, समझ आया? अब देखो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें 10 के नीचे, ये कितने गट्ठर हैं 10 के? 10 नहीं, 10 का कितना गट्ठर है ये? 10 नहीं, गट्ठर कितने हैं ये? एक है कि दो है कि तीन, कितने गट्ठर हैं ये? दो है। नहीं, ये 10 का कितना गट्ठर है? कितना? एक है ना ये, एक गट्ठर है। ये कितनी तीलियां हैं? दो, तो यहाँ पर दो लिखना है। और 1 और 2 कितना होता है यहाँ पर? 12। ठीक है, समझ आई? अब देखो यहाँ पर 10 के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब हमको दो क्या बनाने पड़ेंगे यहाँ पे? गट्ठर, दो गट्ठर बनाने पड़ेंगे 10-10 के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 का हो गया गट्ठर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक हो गया, ये हो गया एक और गट्ठर, ये तो हो गया 2। और ये कितने हैं? 0 0 मतलब हमने कितनी भी कोई भी तीली नहीं बना दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 के कितने गट्ठर हैं? कितने गट्ठर हैं ये? एक, तो एक लिखना है यहाँ पे। अब 1 कितने हैं ये? ये नो 9, तो ये हो गया 19। अब देखो यहाँ पर 10 के नीचे 2 लिखा है और 1 के नीचे भी 2 लिखा है, इसका मतलब हमको दो दो गट्ठर बनाने हैं और दो हमको अकेली अकेली तीली बनानी है। तो दो तो ये अकेली तीली हो गई, और दो हमको क्या बनाने? गट्ठर, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक हो गया। ओके, समझ आई कि नहीं आई? समझ में आई ना? ओके, अब देखो जैसे ये 15 है ना, ये वाला यहाँ पे 15 था। अब देखो हमारे पास एक ये है, इसमें इसमें गिनना जरा कितने हैं ये? 10 है ये, तो 10 का कितना हो गया ये? एक, और इसकी जगह कितने रखने पड़ेंगे हमें? कितना है लिखा हुआ 10 के बाद? ये कितना लिखा हुआ ये? 5 तो इसमें 5 और रखो, लो ये लोग रखो 5 यहाँ से। एक और रख दो 5, ठीक हो गया, हो गए 15। 6 मत रखो बेटे, कितने हो गए वो? ये तो ज़्यादा हो गए, कितने रखने थे? एक हटा दे, हाँ बस ठीक हो गया।
अब देखो यहां पर है 22 और 5, इसका मतलब ये वाले कितने रखने पड़ेंगे अब हमें बताओ? दो। वेरी गुड, हाँ तो रखो दो, लो दो, यहाँ पे दो और यहाँ पर ये तो हो गए दो, और पीले वाले कितने रखने पड़ेंगे? चार। ये देखो कितने लिखा है, पांच। रखो पीले वाले पांच, फाइव रखने जी, दो में। यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये भी। चार और पांच, कितने हो गए टोटल मिला के? ये गिनो जरा, अब गिनो एक साथ। सब टेन, टेन अब टेन के आगे गिनो, इलेवन, ट्वेंटी, इनको गिनो फिर, अब ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव, ठीक है समझ आई?